कवियों ने बहुत अच्छी सीख दी है, बहुत अच्छे रास्ते बताए हैं मन के अंधकार को दूर करने के लिए। ज्ञान का दीपक जलाया है, उस दीपक में हम प्रकाश में अपनी राह बना सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को प्रभु में लगा सकते हैं। जैसे इस दोहे में कहा गया है, तो लगुया मन सदन सदन में, इस मन के भवन में प्रभु कैसे आए। अपने मन में, अपने मन के भवन में अगर प्रभु को बुलाना है तो क्या करना होगा। विकट जट जो लगु निकट कपट कपा। अपने मन के सदन में अगर प्रभु को बुलाना है तो कपट रूपी कपाट को खोलना होगा, धोखा रूपी कपाट को खोलना होगा, धोखा रूपी दरवाजा को हमेशा अपने से दूर रखना होगा। जहाँ धोखा है वहाँ प्रभु का आना हो ही नहीं सकता। इसीलिए कवि ने समझाया है, तो लगिया मन सदन लाने के लिए कपट के कपाट को खोलना बहुत जरूरी है। इस दोहे का मुख्य भाव हमारे साथ यही है, विकट जट जो लगु निपट फूटे ना कपट कपाट, फूटे ना कपट कपाट, फूटे ना कपट कपाट।